गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर गुड इन्जॉइंग योर क्लासेस एंड सेफ एट योर होम ओके स्टूडेंट दिस इज अर कंप्यूटर सब्जेक्ट सो टेक आउट योर कंप्यूटर बुक एंड कॉपी ओके स्टूडेंट बेटा आपका लेसन टू रोल ऑफ कंप्यूटर्स है ओके प्रीवियस okay, वीडियो में आपने ये चैप्टर्स कम्प्लीट कर लिया था ओके okay, और आपने एक्सरसाइज भी कुछ कम्प्लीट कर लिए थे इन दिस वीडियो वी आर कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर फोर एक्सरसाइज नंबर फोर इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओके स्टूडेंट इसके लिए आपको अपनी कंप्यूटर कॉपी निकालनी होगी और आई होप आप लोगों ने अपनी कंप्यूटर कॉपी अभी तक निकाल लिया होगा सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट फर्स्टली आप डेट मेंशन करेंगे कॉर्नर में सेंटर में आप लेसन टू एंड चैप्टर्स का नेम राइट करेंगे रोल ऑफ कंप्यूटर्स ओके किर्ट्स प्रीवियस वीडियो में बेटा आपने क्वेश्चन नंबर वन एंड टू कंप्लीट कर लिया था ओके okay? आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड से कंप्लीट करना है और जिन बच्चों ने नहीं कंप्लीट किया है क्वेश्चन वन एंड टू वो यहाँ से देखकर कंप्लीट करेंगे ओके okay, गये एक बार हम इसे रिवाइज कर देते हैं क्वेश्चन नंबर वन एंड टू फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कंप्यूटर आपको कंप्यूटर को डिफाइन करना है कंप्यूटर इज ए यूनिक मैन मेड मशीन ओके कंप्यूटर किस तरह की मशीन होती है यूनिक विशिष्ट मशीन होती है जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई होती है निर्मित की गई होती है ओके सेकंड क्वेश्चन इज कैन यू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स ऑन ए कंप्यूटर क्या आपने मेडिकल रिपोर्ट्स को हम कंप्यूटर पे प्रिपेयर कर सकते हैं बना सकते हैं यस yes, डेफिनेटली कर सकते हैं ओके okay, तो आंसर में आपको केवल यस yes लिखना है ओके ओके स्टूडेंट ऑलरेडी बेटा आप लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से राइट द यूज ऑफ कंप्यूटर इन ए स्कूल आपको कंप्यूटर का यूज बताना है इन स्कूल स्कूल में कंप्यूटर के क्या क्या यूज हैं वो आपको बताने हैं ओके आंसर थर्ड राइट करेंगे फर्स्ट इज फॉर प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन पेपर्स ओके कंप्यूटर के थ्रू जो आपके एग्जाम होते हैं उसके जो पेपर बनाए जाते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू बनाए जाते हैं तो फर्स्ट यूज ये हो गया सेकेंड फॉर प्रिपेयरिंग रिजल्ट एंड टाइम टेबल ओके आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो टाइम टेबल होते हैं जो रिजल्ट होते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू बनाए जाते हैं तो सेकेंड यूज ये हो गया थर्ड फॉर टीचिंग टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज हम स्कूल में करते हैं ओके ओके स्टूडेंट फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर कम टू द नेक्स्ट पेज क्वेश्चन नंबर फोर राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्कटॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर ओके आपको डिस्क टॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस बताना है अंतर बताना है ओके आंसर नंबर फोर राइट करेंगे और यहाँ पर ये हेडिंग डालेंगे बेटा डिस्क टॉप कंप्यूटर एंड लैपटॉप कंप्यूटर ओके फर्स्ट डिफरेंस क्या है फर्स्ट है इट इज़ ए लार्ज इन साइज आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो साइज में बहुत ही लार्ज होता है बहुत ही बड़ा होता है कंपैरिजन टू तो लैपटॉप कंप्यूटर ओके बेटा इसे आप यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेंगे ये आपका वन होना चाहिए ओके अब आपको लैपटॉप कंप्यूटर हैडिंग के नीचे लिखना है इसे वाइल इट इज ए स्मॉल इन साइज ओके और इसका साइज क्या होता है लैपटॉप कंप्यूटर का छोटा होता है इस ओके कंपैरिजन टू डेस्कटॉप कंप्यूटर के ओके तो आपका ये बेटा फर्स्ट हो गया सेकंड इज इट इज़ नॉट पोर्टेबल आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है पोर्टेबल नहीं होता है मतलब उसे आप अगर आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं तो आप उसे इजिली नहीं ले जा सकते हैं क्यों नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो एक जगह फिक्स होता है ओके अगर आप उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज करना चाहते हैं ले जाना चाहते हैं तो आप उसे इजीली नहीं ले जा सकते हैं तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट यहाँ पर जो लिखा है सेकंड में बेटा वो क्या है इट इज़ नॉट पोर्टेबल ओके अब आते हैं हम लैपटॉप में लैपटॉप में सेकंड लैप आपका क्या होगा वाइल इट इज़ इजीली पोर्टेबल जबकि आपका लैपटॉप कंप्यूटर ईजिली क्या है पोर्टेबल है ओके okay? आप लैपटॉप कंप्यूटर को बहुत ही आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं ओके किड्स आई होप आपको आंसर फोर समझ में आ गया होगा और बेटा आपको इसे ऐसे ही करना है देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आपको कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स नेम लिखने हैं तो यहाँ पर बेटा आपको अकॉर्डिंग टू बुक लिखना है आपकी बुक में जो डिफरेंट टाइप्स यहाँ बताए हैं उसी अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है फर्स्ट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर सेकेंड हैंड हेल्ड कम्प्यूटर थर्ड लैपटॉप कंप्यूटर एंड फोर इस्मार्टफ़ोन्स ओके आज कल जो स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं वो भी पूरे कंप्यूटर की तरह होते हैं कंप्यूटर वर्क पूरा कम्प्लीट करते हैं वो ओके ओके स्टूडेंट तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव इसे बेटा बहुत अच्छी राइटिंग करेंगे और आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ओके स्टूडेंट कम्प्लीट करने के बाद इसे आपको लर्न भी करना है ओके स्टूडेंट हैवे अ गुड डे